जुम्मा ख़त्म हो गया माशाल्लाह। हमने जुम्मे की नमाज सीधे शहदा पढ़ी रहा जैसे हर दफ़ा पढ़ते हैं, अलहम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अब तो नमाज ख़त्म होगी, हम लेट पहुँचे थे, बस पे लोग बैठ जाते अपनी अपनी बातें करने, मिलने जुलने के लिए कोई इसमें रुकावट नहीं है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे। अभी जरा इसका तो ये पिछला हिस्सा है, अगला हिस्सा आगे है, तो आ रहे हैं लोग उधर से पानी ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई नहीं सुनते पढ़ रहे। अभी हमने तो पढ़ लिया, आज मेरी बीवी नहीं आई थी तो मेरे से थके हुए आए थे, तो फिर तक ठीक नहीं थी तबीयत उसकी, जैसे वो नहीं आई तो मैं चला गया। देखो सब लोग बैठे हुए जा रहे, हम भी नमाज पढ़ के जा रहे, चले गए माशाल्लाह। रश ख़त्म हो गया, बस जमा हो जाते हैं अज़ान के, अल्लाह का आवाज़ आता है तो सब जमा हो जाते, जब नमाज तय हो जाता है सब चले जाते हैं, बस हर किसी का चलते शोदा का ये मुस्लिम गए थे, शोदा के सलाम पढ़ते फिर घर चलते, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा। हर आदमी अल्लाह का दरवाजे पे तला घर है, अपनी अपनी मकान अपनी गुण होगी, माफ़ी मांग गया। चलते देखो कितना अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। ये देखो शिवदा की जगह नजर आ रही है, ये हम नजर आ रहे हैं, देखो ये हम शोदा की जगह पे खड़े हैं, माशाल्लाह सलाम पढ़ रहे हैं, पीछे हो जब लोग हैं माशाल्लाह सब लोग हैं सलाम पढ़ रहे हैं, जितने भी हैं इनको कितना खराश लगा, पहाड़ी पर लोग हैं शोदा अल्लाह भेजी का खुलास है, शुरदा पे खड़े नमाज पढ़ लें, पढ़ ली अभी सलाम पढ़ लें फिर घर चल रहे, क्योंकि आज हम अकेले आए, टीवी मेरे साथ नहीं है, पीछे वाला कैमरा जी जी वाला शुक्रिया। ये देखो जनाब हम शुरदा पे आए हुए, देखो माशाल्लाह कितना अच्छे कबूतर भी है, आज भी मेरे पक्षी परिंदे सब है माशाल्लाह, हर किसी का है यहीं पे लिखा हुआ है, इनका लिखा हुआ खा है ले है माशाल्लाह, किसी को कोई वो परेशानी नहीं है, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात पाक है,
लेकिन परेशानी होती है या प्यार मोहब्बत ना मिले तो फिर मतलब परेशानी कुछ होती है। अल्लाह उसको सलामत रखे जो भी हैं, देखे जाए लेके खा रहे हैं बैठे हैं, अल्लाह बेहतरी करे सब के इंशाल्लाह, सबको सलामत रखे अल्लाह ताला। एक गाड़ी आ रही है कोई जा रही है, किसी का वो नहीं, सबको सलामत रखे, जो किसी का नसीब है सबको मिले बेहतर चल रहे। देखो जी माशाल्लाह इधर हज़ारों की तादाद में देखो परिंदे बैठे, हज़ारों की तादाद में अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा है, एक नहीं दो नहीं चार नहीं दस नहीं पचास नहीं सौ नहीं हज़ारों की तादाद में देखो अल्लाह ताला इनको भी तो रिज़्क दे रहा है ना। इंसान को यही सोचना था, वो कहता मैं खैर राजगी हूँ सबको रिज़्क दूँगा, कोई ये ना कहे कि इसको मैं दे रहा हूँ इसको वो दे रहा है इसको ये खिला रहा है इसको ये खिला रहा है, ऐसी बात नहीं है, है? देखो मेरे अल्लाह की शान क्या बताएं, फिर आ जाते हैं फिर उधर चले जाते हैं फिर उधर जा आ जाते हैं, चलो आमीन सुम्मा आमीन। देखो मैं इशारे पे रुक गए हैं, ये सामने मज़ा है, ये खजूर का बाग है, इधर हमेशा हम आके रुकते हैं, यहाँ शहदा से आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं, इधर का दैरी है ये देखो सूग हसन बोला है, ये सामने बल्लज रसूल है सामने देखो, उधर के जाएंगे हमने अब इशारे पे ब्रेक लगाई है, इशारा लाल है इधर इधर नजर आएगा इशारा लाल है, चलो वो खुल गया अभी ये भी खुल जाएगा तो हम जल्दी जल्दी घर जाएंगे। अब चाय नहीं पी मैंने, उन्होंने बनाई थी चाय लेकिन मैं नहाने चला गया, वो सब थके हुए कोई नहीं आया, मैंने जुमा पढ़ना था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जुमा नसीब, क्या पता ज़िंदगी आखिरी जुमा हो, इसीलिए कहते हैं सांस भी लो नमाज भी पढ़ो तो सोचो क्या पता ज़िंदगी आखिरी सांस हो, क्या पता आखिरी जुमा हो ज़िंदगी का, तो हमने पढ़ लिया। जी हम देव को आए थे खाना भी आए हैं उसमें बांदा में बांदा से दूरी है, ये जगह है होगा सामने ना, ये अस्सी रात है जुबरा है जुबरा अस्सी है ये के काट है कुछ है यहाँ पर यह सब पुरुष है दूध है इधर अब दूध लेते हैं देख रहे हैं कहाँ पड़ा है दूध कितना लगी है ये अनार पड़े हैं माशाल्लाह भी पड़े अच्छी है ये जिप्स पर ही है ये केला हो गया केले हैं तो हम अपना काम करें दूध ले लें कहाँ पर है तो हमने तो लेना है ना दूध और मलाई को लेना है एक चाय के लिए एक पीने के लिए तो ये दोनों में
ये पीने वाला तो पड़ा है, चाय वाला नहीं है तो चाय वाला उधर हो गया सर, वो सामने में सामने पड़ा हुआ है, तो ये है, ये भी है तो कौन सा वो ले जाता है ये भी है, ये भी दूर है, चलो ये ले 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 है, हाँ ये भी जो चीज है ना, हाँ यही रह गए थे, यही रहेगी हम हलीफ 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 ये इसको भी देखे पीकर ये है, ये सर पहली बार है, चाय बहुत दुखी अच्छी भाई भी आ रहा था, ये भी तो लेना है ना, हाँ ये पड़ा है हमारा दूध, रात हमें दूध नहीं मिला इसलिए हमें अभी लेना पड़ा है, रात लेट हो गए थे, बकाले बंद हो गए थे, जहाँ इधर आए डायरी में तो यहाँ रुकना बस जल्दी से सोने की अभी उठा लेते दूध जाके चाय बनाएगी पिएगी भी सही, चलो ये पी लिया हमने, उठा लिया पीने वाला ये है ना, ये पीने वाला उठा लिया, ये दूसरा उठा लिया, चलो अब जब इसका देते हैं तो चल आगे देखते हैं क्या है, इधर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सारे ऐसे सामान है, ये सामान हमारे का पड़ा है ना, इसकी लेने की जरूरत नहीं, बस यही लेते हैं तो चलते हैं देखते हैं कितना होता है, हमने दूध दोनों ले लिए, पीने वाला भी चाय वाला भी, तो अभी हम देखते हैं जब उनसे आफा लगी है, किस चीज़ पे आफा लगी है, ढूंढते हैं उसको ये कहाँ है, इधर तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा आफा वाला वो ब्रांड, चलो देखते हैं आफा है तो हम बूढ़ा भी फायदा उठा सकता है, नौजवान भी उठा सकता है, देने तो पैसे हैं ना, लेकिन कुछ उसमें डिस्काउंट हो जाता है, इधर कोई नहीं है ऐसी आफत वाली चीज़ पड़ी हुई, ना वहीं है ये मकलूना वगैरह है, ये है और कोई ऐसी है चीज़ नहीं है, इस पर जूस वगैरह छोटे, ये गंबरी वगैरह है, ये बिस्कुट है, इस पर आप है क्या, नहीं इस पर नहीं है, इसमें भी ऑफर नहीं है, ये साफ पैकेट है, 5 किलो 10 किलो 20 किलो तक, ये छोटे वाले हैं तो ये ही है, इसमें ऑफर नहीं आगे कोई हमें काम की चीज़ है हमारी, उसमें तो ऑफर नहीं, और कहीं पता हो लगे तो नहीं है ऑफर, हमें पता नहीं चल रहा अभी किस चीज़ शंभव वगैरह पर भी नहीं है, हाँ ये देखो ना क्लोरेक्स पे भी नहीं है, ये है ना कि दवाई इधर तो ब्लीच है ना दवा कपड़े धोने वाले, इसको यहाँ क्लोरेक्स कहते तो इसको इसमें भी नहीं है, चलो कोई हमारी चीज़ मतलब की चीज़ नहीं उसमें तो
फिर हम क्या करेंगे। देखो ये जो बर्तन वाला वो बड़ा है, इसमें नहीं पता किस में है। चल ये सामान हमने खरीद लिया जाकर, अब चलते हैं बाहर, अब देखते हैं क्या है। रूटीन बाहर की ऐसी है, गाड़ी हमारी वो खड़ी है, चलते हैं गाड़ी के पास। चलो ठीक है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, सामान लेने की तकलीफ होती है। पास पहुँच गए, गाड़ी के पास पहुँच गए, यहाँ चलते हैं वहाँ से। ये सब है गाड़ियाँ सामने जगह खुद है, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वो सवेरे फ़ोन किता मी हो के सॉफ्टवेयर लगे नहीं आया हाली हूँ वाला फोन करना बेटा चाहते नहीं पे जिम्मे चाहते वाला पहना मैं उन्हें देखना। देखो ये बहुत सारी चीज़ें नहीं थी घर में, तो इसलिए सामान बाहर से जो है ले आए। अभी फिर चलते हैं ऊपर, दबाते हैं बटन को, लेकर बंद हो गई जुम्मे पढ़े, बाकी सो रहे थे सारे। खाने पीने का सामान जो था चाय वगैरह वो ले आए थे, अभी शाम पता नहीं कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा। हमारे ऐसे खड़े हैं टेंट हमारी कार दी, देखो ये हालत हमारी कार दी, इन लोगों ने देखा है कोई शादी ना करे दूसरे, ठीक है तो ऐसा हाल हो जाता है। इमरान भाई नात पढ़ने लगे, कभी तो साज गुंबदार हो जाता हम भी देखेंगे, कभी तो साज गुंबदार हो जाता हम भी देखेंगे, हमें भी को थोड़ा पीछे दिखा मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। वेल डन, जबरदस्त। देखो जी माशाल्लाह जुमा का दिन है, सूरज छुप रहा है, बिल्कुल छुपने वाला है। देखो ये सूरज की इसमें लाइटिंग बता रही है कि सूरज छुपने वाला है। देखो ये जबल उहद है, जबल जन्नत है माशाल्लाह। ये हमारा पड़ोस का आ रहा है यहाँ पे, वो कोई ये जुम्मा के दिन बहुत जिल्लत होती है दुआ मांगने की, इसी टाइम ये कबूलियत का वक्त है। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई दुनिया से प्यार करना, बच्चों से प्यार करना, दौलत के पीछे भागना छोड़ दो,
जो तुम्हारे नसीब में होगी अल्लाह ताला कहता है मैं दे दूँगा। रिश्तों को अहमियत देना, माँ बाप बहन भाई बेटा बेटी, तो मेरे तो खैर नसीब में नहीं है, दूसरों को तो नसीहत दूँ। मेरे साथ तो जो बेटी ने किया वो सारी दुनिया ने देखा भी सुना भी। अरे वो बेमरूबत, अरे वो बेफा, क्या बताऊँ, यही है वफाओं का सिला। मुझे तो वफाओं का सिला इतना मिला कि कुछ कह ही नहीं सकता कि पूरी मेरी औलाद, मेरे भाई ही जो वो है ना शहबाज का बाप है भाई गुलाम शाह फातिमा समय, वो कहता था, अब भी कहता है तेरे लिए नजमा की बात तो कुरान की आयत थी, यानी मैं इतना बेटी से प्यार करता था जो आप समझ लो। सब बिरादरी मुझे भी, मेरी बीवी भी कहती थी सबसे तुम्हें यही अच्छी लगती है। तो जितना दुख उसने दिया किसी ने दिया, पूरी बिरादरी खाए पूरा वसेब खाए, बाप रोता है अल्लाह ही पूछेगा क्या कह सकते। बस इसीलिए तो घर छोड़ के आ गए, हर चीज़ है ऐसा है, ज़मीनें हैं जायदाद है, सुकूनियत का है। मैं एक दोस्त था डॉक्टर मंजूर हनावाकोट में, मैं 1 बजे रात के गया उसके पास तो वो नहीं उठ रहा था। मेरी बीवी को ना ये असगर की वालदा को तकलीफ थी, तो मैंने उसको मुझे था ताल्लुक था गाली निकाल, मैंने बोला बेगार क्यों नहीं निकलता, मैं दीवार छलांग के आ लूँ आ जाऊँ अंदर, तो रोता हुआ बाहर आया। आज से कोई 30-35-40 साल की बात है, 40 साल की, तो मैं गाली निकालने लग गया उसको। मैंने कहा बेगार तुम्हें क्या कमी है, उसी वक्त उसका आज से 40 साल पहले 10,000-15,000 डेली की उसकी आमदनी थी, क्योंकि उसके धान में जिंसी चक्की थी, कोलू था, बहुत काम थे, दुकान थी, डॉक्टरी थी, मोबाइल शॉप थी, बहुत वो था। तो रो के मुझे गले लगा लिया, मुझे कहता है गुलाम मद, मेरी आज भी उसी बात ऐसे सीने में खड़ी है, गुलाम मद जो सकून है दौलत से नहीं है, सकून मिले अल्लाह जो देता है ना कुदरती होता है मेरी अल्लाह की तरफ से। ये बात आज भी मैं लोगों को कहता हूँ कि सकून दौलत से नहीं मिलता, सकून अल्लाह की तरफ कुदरती होता है। देखो ना अभी मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, वो दौर भी था जब मैंने गाड़ी सीखी पहली दफ़ा गया नौकरी करने, यकीन करोगे जुमा का दिन है मदीने पाक में खाओ, मैंने 25 रुपये में नौकरी की, 25 रुपये में, 1974 की बात है, मैं ड्राइवरी की 25 रुपये में महीना में, महीने में 25 रुपये में नौकरी की पहली, मैंने क्या है शादीशुदी नहीं थी, 1974 की बात कह रहा हूँ, तो मेरे अल्लाह के देन है। तो आज तो 25 रुपये बच्चा भी नहीं लेता। हमने बहुत मुश्किलें बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, यहाँ जितना भी लोग हैं ना कोई ऐसा नहीं जो ऐसा रेज के हलाल से ऊपर नहीं जाता, हेरा फेरी से चले जाते होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास यानी बच्चा में अलहदा हुआ था, मेरे पास 2 किले सब यानी 18 कनाल मुझे ज़मीन आई थी हिस्से में। तो ये मुझे कहते थे मेरे भाई कि अब तुम काटन भी पहनना, मोटरसाइकिल भी नए रखना, देखा जाएगा। तो मैंने बोला अल्लाह देगा, तो ऐसे सऊदी आ गया। सऊदी जब हम आए थे तो 2100 रुपये में आए थे, 2100 से ठीक है, हम 3 आदमी आए थे, मेरी वालदा मैं और ग़ुलाम सेवा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वापस गया, रकबे लिए, सब कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह जगह बनाई और तो सुकून से खा रहे हैं, लेकिन औलाद ने सुकून दिया। ये सुकून कुदरती से है, मेरी अल्लाह की तरफ से है। इंसान की अपनी गलतियाँ कोताहियाँ भी होती हैं, बस वो है ना जो दर्द दिया अपने दिया, हाँ गैरों से शिकायत नहीं। अल्लाह सबको सलामत रखे। ये है कभी कभी तो इंसान से दिल से आह निकल जाती है ना, जिसको जहाँ कंडा चुभता है ना तो उसको कंडा अंदर में रह जाए ना तो हाथ लगे दर्द ख़त्म हो जाता है, जख्म मिट जाता है, हाथ लगे तो दर्द ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए सबको, अल्लाह ताला नेक साले औलाद अता फरमाए। एक शेर की और सबने कहानी सुनी कि शेर की और लकड़हारे की दोस्ती थी बहुत। वो लकड़हारा था जंगल में जाता था, जंगल का बादशाह था, उसको ख़तरा था उनसे, तो उनने शेर से दोस्ती लगा ली। तो फिर कहता था जहाँ से आप निकालते जो करते हो कर लो, कोई वो नहीं, काट लो लकड़ी है
वो कहने लगा तुम इतना मेरी याद प्रवेश करते हो, मेरी खिदमत करते हो, मुझे फ़ायदा पहुँचाते हो, तो मेरे घर चलो। उन कहना ये मेरा घर इधर जंगल में है, वहीं ना ले चलो। कहता नहीं, जब वहाँ गया तो लोगों तो बीवी ने कह दिया कि ये तो हराम खाता है, तू इसको घर ले आया। तो शेर उठ के गुस्से में आके बाहर आ गया। जब बाहर आया तो उसने कहा आओ कुहाड़ा उठाओ, जब सर में मारो। उसने बोला नहीं मेरा दोस्त है तू, उसमें दोस्त नहीं हूँ, आज तुम कुहाड़ा मेरे सर में नहीं मारेगा तो मैं तुझे भी खा जाऊँगा। उसने मार दिया, चला गया। कुछ अच्छे के बाद फिर आके मिला उसको, दोस्त को, लकड़हारे को। उसने बोले देख यार जख्म है इधर मेरे सर में, मुझे कुहाड़ा मारा था आपने। उसने नहीं, वो तो ख़त्म हो गया कब का। उसने बोला वही जख्म ख़त्म हो गया, लेकिन जो अंदर जख्म खड़ा है ना तेरी बीवी वाला, वो ख़त्म नहीं हुआ। अंदर के जख्म नहीं जाते, अंदर के जख्म बहुत गहरे होते हैं, बहुत पेचीदा बातें होती हैं, वो नहीं जाती। बस अल्लाह उनको सलामत है कि सबको, मेरा अल्लाह मदीने मुझे जगह दे दे। मुझे कहीं से प्यार नहीं मिला, कहीं से प्यार नहीं मिला। मैंने हर किसी को प्यार दिया, खून तक दिया, जिन्हें खून भी दिया वल्लाह है मदीने, उनसे भी प्यार नहीं मिला। जो मरीज थे मौत की कश्मकश में थे, उन्होंने बोला अभी खून दो तो ठीक है, बच सकते नहीं, नहीं। मैं वहीं फट्टे पे सो गया। डॉक्टर ने बोला यार तू चेक तो करा। मैंने बोला मेरा खून चेक हुआ है, मेरा ओट बाटे से हर किसी को लग सकता है, मुझे कुछ नहीं लग सकता। तो उसने निकाला, बच गए, ठीक हो गए। वहाँ से वफा नहीं मिली। औलाद देखो ना, जब औलाद बीवी किसी से नहीं मिली थे, बाकी किसका शिकवा गया। एक अल्लाह का दर है जहाँ से इंसान खाली नहीं लौट रहा। आमीन सुमामी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अभी आखिरी इंसान का यही है, इसी का सहारा है। अपने जेब में कुछ होगा तो इंसान चलता फिरता रहेगा। मुताजी अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, आपको सलामत रखे, हर मुसलमान को हज बैतुल्ला की सादत नसीब के बाद मदीना पाक के देखने की उम्र हज की अदा के। अब जिनके वालदैन जिंदा हैं अल्लाह तक, उनके वालदैन का साया उन पर कायम है। वो बच्चों को अल्लाह हिदायत दे अपने वालदैन की खिदमत करने की, अदब करने की। आमीन से नमाज रोजे की बच्चों को पाबंदी की करो। तो जो मेरे इंडियन बहन भाई बच्चे हैं सबको मेरी तरह से सलाह। आपसे भी ज़्यादा प्यार मिलता है मेरे मुल्क से, इंडिया से भी ज़्यादा प्यार मिलता है। जहाँ जहाँ कोई मुझे देख रहा है मैं सबको सलाम कहता हूँ और प्यार करता हूँ। सबके लिए दुआ की, मक्के में गए हम सब के लिए दुआ की। मेरा मोबाइल ख़राब हुआ है, कई दिन हुए जल गया है, तो वे लोग अभी जैसा भी है बस। हाँ वो कहते हैं ना एक गाना है, दिल कदम रख रहे कबूल कर लो। हाँ तो ये है, ऐसे प्यार मेरी मोहब्बतें होती हैं, आपसे बातें हो जाती हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। तो क्योंकि आखिरी ज़िंदगी इंसान की होती है ऐसी, ये सामने देखो जबल होते जबल जन्नत है, वो उधर सामने से इतने शोदा के दरबार है। जुमा आपने आज ने हमने वहीं पढ़ा है, अभी इशा का इरादा है, हरम जाएगा जैसे अल्लाह को मंजूर होगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, तो अल्लाह आपको जजाए खैर दे। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप बच्चों की उम्र रखे, आपको अल्लाह ताला इत्तफाक की नियामत नसीब फरमाए। सब अल्लाह के हंसते मुस्कराते रहो, खुशहाल रहो, खुश रहो, जहाँ रहो खुश रहो। आमीन सुम्मा आमीन।